गाइस, एडुकल द टीचिंग चैनल में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को एक काम करना है, वो आप जानते हैं वो क्या करना है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट लेसन आए वो आप तक पहुँच पाए। चलिए शुरुआत करते हैं अपने लेसन की। ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस, ऑर्गेनाइजेशन इसके मीनिंग आप जानते हो, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो ऑर्गेनाइज होकर काम करता है उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कंप्लायंस इज एन अनअवॉइडेबल प्रोसेस इन द मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा वर्ड है, ये लचीलापन, इसे हम जनरल वर्ड में बोलेंगे कि लचीलापन जो है एक ऐसा अनअवॉइडेबल प्रोसेस है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। किस में आता है ये? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आता है, उसकी मेंटेनेंस और उसकी डेवलपमेंट के रास्ते में। विदाउट कंप्लायंस एनफोर्समेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी अचीव्ड। अब ये कहते हैं कि विदाउट कंप्लायंस, उस लचीलेपन के बिना, उस कंप्लायंस के बिना हम किसी भी ऑब्जेक्टिव को, जो एनफोर्समेंट के ऑब्जेक्टिव हैं, हम उसको अचीव नहीं कर सकते हैं। Without compliance, law and order cannot be maintained in the organization. और इसी के बिना किसी भी organization में law और order जो है वो maintain नहीं होते हैं। Law and order कोई rules जो regulations हम day by day अपने school में या किसी भी organization में हम बनाते हैं, without compliance उसको हम achieve नहीं कर सकते हैं। Compliance is the basic condition for the maintenance and development of the organizational and achievement of its goal. अब क्या है कि कंप्लेंस जो है वो बेसिक कंडीशन है, बेसिक जो इनिशियल लेवल पे हमें चाहिए वो बेसिक कंडीशन है, जिसके बिना हम क्या कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हैं। मेंटेन करना है अगर ऑर्गेनाइजेशन को, उसको डेवलप करना है, तो हमें कंप्लेंस का जो हेल्प है वो चाहिए होगी। कंप्लेंस के बिना हम ये चीजों को अचीव नहीं कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ कंप्लेंस, अब कंप्लेंस का मीनिंग आप डिटेल में देखिए। कंप्लेंस हैज बीन डिफाइंड बाय द इट्स जोनी एज अ रिलेशनशिप कंसिस्टिंग ऑफ पावर एम्प्लॉयड बाय द सुपीरियर्स टू कंट्रोल द सबॉर्डिनेट एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द सबॉर्डिनेट टू द पावर। अब वो कंप्लेंस को कहते हैं, इट्स जोनी जो है उन्होंने इसको डिफाइन किया है कैसी, कि एक रिलेशनशिप है जो पावर एम्प्लॉयड, जो आपके सुपीरियर्स हैं, जो आपसे ऊपर हैं या जो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, वो कंट्रोल करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को और ओरिएंटेशन को, एंड द ओरिएंटेशन टू सबॉर्डिनेट टू दिस पावर। अब वो क्या करते हैं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप किसी एक सिंपल वे में आपको बताती हूँ कि जो आपके सीनियर्स होते हैं वो इस तरीके का रिलेशन बना के रखते हैं कि आपको कंट्रोल भी रखते हैं और आपको काम भी करवाते हैं। सिंपल सेंस में इट मे बी कंसीडर्ड एज द फिनोमिना इन विच द सबॉर्डिनेट फॉलो द डायरेक्टिव्स ऑर्डर्स एंड डिसीजन अमेंटिंग फ्रॉम द सुपीरियर्स। सिंपल, जैसे मैंने आपको पहले बोला, क्या है ये कि जो ऑर्डर्स हैं, जो डायरेक्शंस हैं, जो डिसीजंस हैं, वो आपके सुपीरियर्स, जो आपके ऊपर हैं, जो आपके बॉस हैं, वो आपको देता है, आपको क्या करना है उसको फॉलो करना है। इसको हम सिंपल वे में बोल सकते हैं कि ये क्या है, कंप्लेंस है। अगर हम इसको जनरल वे में हम अगर बोले तो इसे लचीलापन भी बोलते हैं। आपको ऑर्डर्स भी देने हैं, आपको उसके साथ भी रहना है, उनके साथ काम भी करना है, विदाउट कोऑपरेशन के, विदाउट कोऑर्डिनेशन के कोई भी काम जो है पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन हाँ, उस कंट्रोल के साथ हमें क्या करना है, काम को देना है। ऑर्डर तो देने हैं लेकिन एक ग्रुप भी, एक कोऑर्डिनेशन भी जो है बना के रखनी है। इसे हम कहते हैं कंप्लेंस। इफ सबॉर्डिनेट्स ओबेइंग द ऑर्डर एंड डायरेक्शन इश्यूड बाय द ऑफिसर आर व्हाट मे बी टर्म्ड एज कंप्लेंस। फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि ये वही चीज़ है कि हमें ओबे करना है ऑर्डर्स को, ऑफिसर्स के ऑर्डर्स को या डायरेक्शंस को। जो वो हमें डायरेक्शंस देते हैं, जो हमें वो ऑर्डर्स देते हैं, हम उन्हें क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। द क्वालिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्लायंस प्रोवाइडेड इन इट। जो क्वालिटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो कहाँ से हमें अचीव, हम उसे कहाँ से डिटरमाइन करेंगे, कैसे हम उसको, कि जो हमें ऑर्डर मिलते हैं और जो कंप्लायंस की सिचुएशन रहती है
उसके अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि हम इस लेवल तक, इस क्वालिटी जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन की इस लेवल तक हो सकती है। अगर आप किसी जगह पे एडमिशन लेने जाते हो तो आप उसका एकेडमिक अचीवमेंट देखते हो, आप देखते हो कि वहाँ पे कौन सा, जनरली हम ये बोलते हैं कि अगर कोई ऐसा स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल आ जाता है या स्ट्रिक्ट कोई लीडर आ जाता है तो हम इमिजिएटली हमारे दिमाग में ये चीज़ होती है, हाँ राइट, ये इंसान जो है ये क्या करेगा, चेंजेस लाएगा और ये बहुत अच्छे से इस प्रोसेस को या इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाएगा। दैट मीन्स कि वो जो ऑर्डर देता है, वो जो चीज़ें चेंजेस लाता है, वो क्या है, वो हमारे बेनिफिट के लिए पहचान है। ऑर्गेनाइजेशन डिफर्स इन देयर स्ट्रक्चर ऑफ कंप्लेंस, हाँ डिफरेंस ज़रूर रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर होगा, सभी ऑर्गेनाइजेशन से एक जैसी नहीं होती, कहीं पे हमें ऑर्डर्स किसी और तरीके से देने होते हैं, कहीं पे हमें और एक जनरल वे में बताती हूँ कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो तो क्लैरिकल के साथ आपको किस तरीके से बात करनी है, जो उससे नीचे हैं उनको किस तरीके से टैकल करना है, या जो आपके सीनियर्स हैं जो आपके साथ आपको आगे लेकर चलने हैं तो उनके साथ कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। जब ध्यान में रखेंगे हम, जब हम ऑर्डर्स देंगे, हम उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तब जाकर हम कहेंगे कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से चला रहे हैं। कंप्लेंस बाय द सबॉर्डिनेट लीड्स टू देयर इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन इन द एक्टिविटी और प्रोग्राम एज डिजायर्ड। अब कंप्लेंस बाय द सबॉर्डिनेट, जो ऑर्डर जो हमें अपने सबॉर्डिनेट से मिलते हैं वो कैसे लीड होते हैं, एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, खुद उस प्रोग्राम में इन्वॉल्व होते हैं और डिजायर्ड जो और उसका जो प्रोसेस है वो चलता है, जो उनके अकॉर्डिंगली प्रोसेस चलता है तो वो आगे लेकर उसको जाते हैं। हेंस इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन ऑफ द सबॉर्डिनेट इज असेंशियल एस्पेक्ट इन द ऑफ कंप्लेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जरूरी, ये चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ आपको कि इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी बहुत ज़रूरी है। आपको कि मैं सिर्फ ऑर्डर दे के चलूँ तो वैसा नहीं होगा, आपको ऑर्डर्स तो देने हैं लेकिन साथ साथ में कॉपरेशन भी साथ में रखनी है। कॉपरेट करोगे उनके, उनको गाइडेंस तो देनी है लेकिन उनको साथ साथ में रिइंफोर्समेंट भी देनी है, क्योंकि जब तक आप रिइंफोर्स नहीं करोगे, जब तक आप गाइडलाइंस नहीं दोगे तो कोई भी आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होगा अच्छे से और ना ही काम अच्छे से होगा। जब फ्रीडम रहेगी काम में, जब अच्छे से खुल के आप काम कर सकोगे तो क्या रहेगा कि प्रॉपर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हेल्दी वे में क्या करेगी, ग्रो करेगी। हाउएवर रेंज ऑफ हाई टू लो इन इंटेंसिटी एंड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इन डायरेक्शन, एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हाई टू लो इंटेंसिटी होनी चाहिए और पॉजिटिव टू नेगेटिव इन डायरेक्शन। अब पॉजिटिव वे में आप क्या करोगे, पॉजिटिव वे में चलते जाओगे और नेगेटिव छोटा भी होगा तो वो चला, मतलब कि वो रिजॉल्व हो जाएगा। हाई टू लो में चलना है, किसी बड़े चीज़ को लेना है ना तो बड़े फोकस के साथ आपको चलना है। जब आप बड़े फोकस के साथ चलोगे, पॉजिटिव वे में चलोगे, ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। थ्री बेसिक टाइप ऑफ इन्वॉल्वमेंट हैव बीन आइडेंटिफाइड। अब इसमें थ्री जो है टाइप ऑफ इन्वॉल्वमेंट जो है वो आइडेंटिफाई की गई है, पाई गई है। दीज बेसिक टाइप्स आर अल्टरनेटिव, कैलकुलेटिव एंड मॉरल। अल्टरनेटिव हो गया जो एक के बाद एक के बाद एक, कैलकुलेटिव हो गया जहाँ पे हम काउंट अकाउंटेबल रहेंगे जब हम कैलकुलेट करते हैं, मॉरल होता है कि जब हम एथिक्स के साथ कुछ चीज़ें हम एथिक्स के साथ करते हैं, कुछ चीज़ें हम कैलकुलेशन के साथ करते हैं और कुछ चीज़ें हम क्या करते हैं, चांसेस लेकर करते हैं, तो उसे हम कहते हैं। अब अल्टरनेटिव जो अल्टरनेटिव पार्टिसिपेशन हैज़ इंटेंस नेगेटिव ऑरिएंटेशन। अब जो अलाइनेटिव है उसमें क्या है, नेगेटिव ओरिएंटेशन है। कैलकुलेटिव इन्वॉल्वमेंट हैज़ लो इंटेंसिटी नेगेटिव, जो कैलकुलेटिव है उसमें लो इंटेंसिटी नेगेटिविटी की रहेगी, लो इंटेंसिटी पॉजिटिव ओरिएंटेशन, और लो इंटेंसिटी किसकी रहेगी, पॉजिटिव इसकी ओरिएंटेशन की रहेगी। ऑन द अदर हैंड मॉरल इन्वॉल्वमेंट हैज़ इंटेंस पॉजिटिव ऑरिएंटेशन। अब ये बात आपको मैं बार बार, बहुत बार पहले भी लेसन्स में मैंने बताई है कि जो मॉरल इन्वॉल्वमेंट होती है उसका हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है। क्यों? क्योंकि मॉरल जो वैल्यूज़ जो होती हैं, जो मॉरल थिंकिंग है हमारी, जो नैतिक मूल्य हैं हमारे,
वो अच्छी तरफ हमें लेकर जाते हैं, ना कि हमें कोई नेगेटिव वे में डालते हैं। मॉरल इन्वॉल्वमेंट मीन्स इन अदर वर्ड्स इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स एंड ग्रेटर आइडेंटिफिकेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। उन मॉरल वैल्यूज को लेकर ना हम बहुत आगे तक चलते हैं। अब देखिए इंडिया किसके लिए, हम किसके लिए कहते हैं कि बहुत सारे यहाँ का कल्चर है, हमारा रिच कल्चर है, हम ये हैं जो इंडियंस हैं वो वैल्यूज पर चलते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे हैं? हमने इस तरीके से अपना जो सेटअप तैयार किया है, हमने इस तरीके से अपने वैल्यूज को रखा है कि हमारे वर्ल्ड लेवल पे हम लोग इन वैल्यूज की तरह के लिए पहचाने जाते हैं। यूजिंग दीज टू कंसेप्ट पावर एंड इन्वॉल्वमेंट 9 पॉसिबल कंप्लेंस रिलेशन हैव बीन आइडेंटिफाइड। अब इन दो चीज़ों को यूज करके जो 9 पॉसिबल कंप्लेंस रिलेशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड, 9 ऐसे जो है रिलेशंस है वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। कोर्सिव पावर एनाइलेटिव इन्वायरमेंट, कोर्सिव पावर कैलकुलेटिव इन्वायरमेंट, कोर्सिव पावर मॉरल इन्वायरमेंट, रिन्यूमरेटिव पावर एलाइनेटिव इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन कंप्लायंस के अंडर आती हैं। रिम्यूनरेटिव पावर कैलकुलेटिव इन्वायरमेंट, रिम्यूनरेटिव पावर मॉरल इन्वायरमेंट, नॉर्मेटिव पावर एलाइनेटिव इन्वायरमेंट, नॉर्मेटिव पावर कैलकुलेटिव इन्वायरमेंट, नॉर्मेटिव पावर मॉरल इन्वायरमेंट, ये क्या है? ये इनके ग्रुप्स बने हैं कि किस तरीके से हम इसे कहते हैं, फॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव, अलाइनेटिव, कैलकुलेटिव, मॉरल इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं, तभी जाके ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाइंस बनता है। ऑल दिस रिलेशनशिप आर पॉसिबल इन कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो रिलेशनशिप है ये हमेशा एक कम्प्लेक्स, एक बहुत डिफिकल्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें होते हैं। फैक्टर लिंक्ड विद कंप्लाइंस स्ट्रक्चर्स, अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेरिएबल्स हैव बीन फाउंड टू द स्ट्रक्चर्स लिंक्ड विद द कंप्लाइंस स्ट्रक्चर। अब क्या है कि वेरिएबल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या हैं जहाँ पे हम ये चेक करें, टू टाइप ऑफ वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल है जो किसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं, इंडिपेंडेंट है जो इंडिपेंडेंट रहते हैं, जो चेंज नहीं होते। डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा चेंज हो जाते हैं क्योंकि वो डिपेंड करते हैं। अब वो कहते हैं कंप्लेंट स्ट्रक्चर पे वेरिएबल्स जो है, ऑर्गेनाइजेशन वेरिएबल्स मिलते हैं। अब सम ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशन इलाइट्स, कंसेंस, कोहेंशंस, कम्युनिकेशन, सोशल सोशलाइजेशन, रिक्रूटमेंट एंड क्रिस्मा, ये सारी चीज़ें क्या है, वेरिएबल्स हैं, जो कि हम इनमें से कुछ जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, कुछ जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अब जैसे आपको मैं बोलती हूँ कि गोल्स हैं हमारे पास, इसके कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन आप करोगे तो ये डिपेंडेंट है ना, किसी से साथ करोगे, खुद से तो करोगे नहीं, तो ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीज़ें एक साथ होंगी तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे वर्क कर पाएगी। इट्स ओनली हैज एस्टैब्लिश दैट ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर गोल हैव सिमिलर कंप्लायंस स्ट्रक्चर एंड वाइस वर्सा। अब एडजोनी जो है वो कहते हैं कि हैज एस्टैब्लिश, उन्होंने एस्टैब्लिश किया है कि ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर गोल हैव सिमिलर कंप्लेंस, जो सिमिलर गोल्स होते हैं उनका क्या है, सिमिलर जो है कंप्लेंस स्ट्रक्चर रहता है और आगे इसी तरीके से वो बढ़ता रहता है। फॉर एग्जाम्पल एम्पल, इफ द गोल इज टू मेंटेन ऑर्डर द कंप्लेंस स्ट्रक्चर हैज टू बी कर्सिव एंड वेयर द गोल इज इकोनॉमिक सच एज हाई प्रोडक्शन द स्ट्रक्चर इज लाइकली टू बी यूटिलेरियन। Similarly, when the goal is culture, the structure is likely to be normative. Thus, organization goal and compliance structure seems to be linked together. अब देखिए कि उन्होंने कहा है कि दो चीज़ें हैं, दो स्ट्रक्चर हैं हमारे पास। अगर हमारे पास इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है तो हमें क्या है, हाई प्रोडक्शन देखने। अब देखिए दो, हम सपोज कीजिए अगर हम दो चीज़ें चला रहे हैं, एक हम चला रहे हैं जहाँ पे हमें क्या करना है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को लेके चलना है, हमें फाइनेंशियल देखना है, दूसरा हमें देखना है मॉरल वैल्यूज को, तो दोनों के कंप्लायंस जो है वो अलग अलग हैं। इकोनॉमिक में हम क्या करेंगे, हाई प्रोडक्शन का स्ट्रक्चर जैसा, वैसा स्ट्रक्चर चाहिए हमें जहाँ पे रिजल्ट हमें हाई प्रोडक्शन का आए। और उसी तरफ अगर हम देखें कि हमें मॉरल को देखना है या नैतिक मूल्यों को देखना है, तो हम कहेंगे कि हमें ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चाहिए जहाँ पे नॉर्म्स की वैल्यू हो, जहाँ पे एक दूसरे के साथ, और एट द एंड अगर देखें इकोनॉमिक हो या मॉरल हो,
तो दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप इकोनॉमिक फील्ड में कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ वैल्यूज होती हैं, अगर नॉर्मेटिव फील्ड में सॉरी अगर मॉरल फील्ड में कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ फाइनेंसिस हमें चाहिए होते हैं एट द एंड। ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एलाइट ऑफिसर, फॉर्मल लीडर्स एंड इनफॉर्मल लीडर्स। सिमिलरली एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है थ्री टाइप ऑफ एलाइट ऑफिसर्स, थ्री टाइप्स जो होती हैं उसमें होती हैं, एक तो ऑफिसर्स हो गए, एक फॉर्मल लीडर होगी जो फॉर्मली जो सबके सामने रहते हैं, एक होता है इनफॉर्मल लीडर जो डायरेक्टली आपको सपोर्ट नहीं करते बट कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट करते हैं। सिमिलरली एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टराइज बाय टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज। दो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो दो टाइप ऑफ एक्टिविटीज के साथ चलती है, एक्सप्रेसिव एंड इंस्ट्रूमेंटल। एक्सप्रेसिव एक्टिविटीज आर सेड टू बी कंट्रोल लार्जली बाय द फॉर्मल लीडर्स। जो एक्सप्रेसिव है, जहाँ पे आपको अपने व्यूज को देना है, जहाँ पे आपको अपने एक्सप्रेशंस को बताना है कि हम किस पर्पस को लेके इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, तो वो फॉर्मल वे में, फॉर्मल क्या है, डायरेक्टिव वे में डायरेक्टली आपको क्या करेंगे, बताएंगे। ये एक्सप्रेसिव एक्टिविटीज है, दे आर कंट्रोल्ड बाय द फॉर्मल लीडर्स। और ये कंट्रोल होते हैं फॉर्मल लीडर बट आर नॉट लाइकली टू बी द कंट्रोल बाय, लेकिन ये ऑफिसर से कंट्रोल नहीं होती, ये लीडर से। आप ये देखिए कि कितने ऑफिसर्स हैं, हम IPS भी कर लेते हैं, IAS भी कर लेते हैं, KS भी कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली अगर हमें चलना है तो हमें लीडर्स को फॉलो करना है, दैट्स जो फॉर्मली जो लीड करते हैं आगे। दे कैन बी कंट्रोल बाय द इनफॉर्मल लीडर्स। अब कुछ ऐसे हैं जो इनफॉर्मल लीडर से कंट्रोल होते हैं बट आर नॉट लाइकली टू बी कंट्रोल बाय द इनफॉर्मल लीडर, और कुछ जो है जो कि होने नहीं चाहिए लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो इनफॉर्मल लीडर्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं। दीज रिलेशनशिप में वेरी विद अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो रिलेशनशिप है वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलग अलग तरीके से। एजुकेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका अलग सेटअप है, जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उनका अलग सेटअप है, लेकिन एट द एंड अगर हम देखें तो मेन चीज़ क्या है, रिजल्ट। हमें ऑब्जेक्टिव तक पहुँचना है, हमारा विजन जो है वहाँ तक पहुँचना है, इससे आगे हम कुछ आगे लेके नहीं चलते हैं। द लेवल ऑफ सेंसेस हैज बीन डिफाइंड एज अ डिग्री ऑफ सबॉर्डिनेट एक्सेप्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन पोजिशन एज देयर ऑन। अब जो लेवल ऑफ सेंसेस जो है हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जो डिग्री ऑफ सबॉर्डिनेट एक्सेप्टेंस ऑफ द, जितने अच्छे से आपके वर्कर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को संभालेंगे उतने अच्छे से आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। इट हैज बीन पॉइंटेड आउट बाय द एडिसोनी दैट नॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स हायर सेंसेस इन आवर स्फीयर्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सपेंसिव एक्टिविटीज एंड फ्यूअर कंसेंसस इन स्फीयर रिलेटेड टू द इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज। अब यह है कि जो एडिसोनी ने हमें लास्ट में ये बताया, कंक्लूड करते हुए उन्होंने बताया कि किसी भी अगर फील्ड में चले जाओ तो डायरेक्टली जो एक्सपेंसिव एक्टिविटीज है वो क्या है, वो रिक्वायर करती हैं नॉर्मेटिव को, नॉर्म्स के साथ अगर हम एक्सपेंसिव एक्टिविटीज करेंगे तो चलेगा। फ्यूअर में क्या होता है, रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज हैं जो किसी चीज़ के साथ कंसल्ट करती हैं, वो एक्टिविटीज बड़े फ्यू होती हैं। बेसिकली क्या होता है, ज़्यादातर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो नॉर्मेटिव रहती हैं और डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्रेसिव एक्टिविटीज़, जो एक्सप्रेस भी की जाए, जो दिखती हैं सामने, जो थोड़ी कम दिखती हैं वो बहुत कम होती हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली जब इस फील्ड में आते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो हमारे पास क्लियर ट्रांसपेरेंसी किसी भी फंक्शन में होना जरूरी। यूटिलिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली फाउंड टू हैव अ कंसेंसस इन स्पेयर्स रिलेटेड टू द इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज। कर्सिव कैन फंक्शन विद द बोथ द डिग्री एंड द रेंज ऑफ कंसेंसस। अब यूटिलिटेरियन जो यूटिलिटी के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली फाउंड, इनका हाई कंसेंसस होता है स्पेयर्स रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पे एक्सप्रेसिव कम होती हैं, जो ज़्यादा दिखती हैं वो होती हैं कर्सिव एंड फंक्शंस विद द बोथ डिग्री एंड रेंज ऑफ, इनमें रेंज भी ज़्यादा होती है और डिग्री इनका हाई लेवल ऑफ डिग्री होता है एक्सप्रेसिव होने का। ऑर्गेनाइजेशन कोहेशन हैज आल्सो बीन सेड टू बी द लिंक विद ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेंट स्ट्रक्चर एंड सबॉर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट। अब ये लिंक करते हैं किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेंस के साथ भी, और सबॉर्डिनेट की इन्वॉल्वमेंट होना भी जरूरी है। इट में सपोर्ट आइदर अलाइनेशन एंड कमिटमेंट। ये किसके साथ सपोर्ट करती हैं, या तो वो अलाइन करके चले और या फिर कमिटमेंट के साथ ही चलती हैं, ऐसे चलना पॉसिबल नहीं है। टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्ट्रूमेंटल एंड एक्सप्रेसिव।
अब दो तरह के जो है नेटवर्क है कम्युनिकेशन के, वो चलते हैं, एक तो क्या है इंस्ट्रूमेंटल है, दूसरा क्या है एक्सप्रेसिव है। द फ्लो ऑफ दिस कम्युनिकेशन मे बी आइदर वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। अब इसका जो फ्लो है, ये चलने का जो गति है इसकी, या तो वो वर्टिकल रहेगी या हॉरिजेंटल रहेगी। द कंप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन फाउंड टू बी रिलेटेड ऑफ दिस कम्युनिकेशन टैंक। जो कंप्लेन्स का जो स्ट्रक्चर है ना, वो इसी से रिलेट करते हैं हम कि कम्युनिकेशन का टाइप कौन सा है, किस तरीके से हम लोगों के साथ बात करेंगे, ये हमारा कंप्लेन्स का स्ट्रक्चर जो है तय करता है। इन कोरेसिव ऑर्गेनाइजेशन इंस्ट्रूमेंटल एंड हॉरिजेंटल एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन आर फाउंड टू बी डोमिनेंट। और जहाँ पे कोरेसिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन जो है वो डोमिनेंट रहती है। ऑन द अदर हैंड द वर्टिकल एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज फाउंड टू बी वेरी रेयर इन सच ऑर्गेनाइजेशन। और जो वर्टिकल एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन है वो क्या है, वो बहुत कम पाई जाती है। नॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू एरिजोनी इंस्ट्रूमेंटल कम्युनिकेशन इज वेरी लिटल वाइड एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज डोमिनेंट। जो इंस्ट्रूमेंटल कम्युनिकेशन है वो बहुत कम होती है, जो एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन है वो डोमिनेट करने के लिए काम आती है। इन यूटिलेरियन ऑर्गेनाइजेशन सिमिलरली इंस्ट्रूमेंटल कम्युनिकेशन इज वेरी मच एम्फिसाइज एज अ कंडीशन ऑफ इफेक्टिव फंक्शनिंग। यूटिलेरियन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या है, इंस्ट्रूमेंटल कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव मानी जाती है एज रिगार्ड देयर लिंकेज बिटवीन कंप्लेन स्ट्रक्चर एंड सोशलाइजेशन। जैसे कि उसका क्या है, जो कंप्लेन स्ट्रक्चर है और सोशलाइजेशन के बीच में वो क्या है रिलेट करते हैं। इन कोरेसिव ऑर्गेनाइजेशन इज एन इन इफेक्टिव, इन नॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन इट इज एक्सप्रेसिव। अब कोरेसिव में क्या है कि ये इन इफेक्टिव है और नॉर्मेटिव में क्या है, ये एक्सप्रेसिव है, विच इज वेरी मच अटेम्प्टेड, जो बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। वाइल इन यूटिलेरियन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ अ टेंडेंसी टू यूज एक्सटर्नल एजेंसीज लाइक द स्कूल एंड द होम टू ब्रिंग अबाउट द सबॉर्डिनेट सोशलाइजेशन। और इन एजेंसीज में हम क्या करते हैं कि जो एजेंसीज हैं, जैसे स्कूल है, एक्सटर्नल जो फॉर्मल वे में हमें हेल्प आउट करती हैं, स्कूल है या होम है, उनको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, सोशलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। एज अ रिक्रूटमेंट इट्स ओनली होल्ड द कोरेसिव ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट बाय द फोर्स। यूटिलेरियन ऑर्गेनाइजेशन यूज कंपनसेशन एंड नॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन एंड आउटसाइड सोशलाइजेशन। अब रिक्रूटमेंट एज टू रिक्रूटमेंट, अगर रिक्रूटमेंट की बात है, इट्स ओनली होल्ड टू कोरेसिव ऑर्गेनाइजेशन, वो कोरेसिव ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट किससे होती है, फोर्स से होती है, बाय फोर्स हम उसको रिक्रूट करते हैं। यूटिलेरियन ऑर्गेनाइजेशन यूज कंपनसेशन, अब ये यूटिलेरियन ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, कंपनसेशन को यूज करती है। नॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक्सप्रेसिव जो कम्युनिकेशन है और आउटसाइड द सोशलाइजेशन है उसको हम यूज करते हैं एज अ, किसको आप रिक्रूट करोगे इस प्रोसेस के लिए। ये था सारा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस। अगर कोई प्रॉब्लम सेक्शन में मुझे डिटेल में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगी कि उसको सॉल्व करूं और आपके लिए जो आपकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड एक लेसन लेकर आऊं। इसके साथ ही हमारा ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे फिर से, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट लेसन्स आए वो आप तक पहुँच पाए। टिल देन स्टे ब्लेस, बाय बाय।